This was an older video which was deleted due to a copyright strike by Viacom 18. Just because I used some footage shot in the audition hall, they gave me a reason that I stole their content, which I did not. I have made few changes to the video, removed concerned footage, and I'm re-uploading the same. If you have seen it before, you can skip. If not, please enjoy. गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज मोहम्मद सलीम खान एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल MSK व्लॉग। सो इस व्लॉग में आप देखेंगे मेरे MTV रोडीज के अहमदाबाद ऑडिशन का पूरा जर्नी। अगर आपने मेरा पुणे वाला ऑडिशन का जर्नी नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट माय पुणे वाला व्लॉग। सो पुणे वाला ऑडिशन का व्लॉग एंड अभी मैं हूँ पुणे में और टाइम हो रहा है 11:30 की मेरी फ्लाइट है और लगभग 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा अहमदाबाद। पुणे वाला ऑडिशन से मैंने एक चीज सीखा है, मेरा हाथ दुखने लग गया। तो पुणे वाले ऑडिशन से मैंने एक चीज सीखी है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस ठीक से कर नहीं पाया था। तो इन दिस ब्लॉग मैं थोड़ा सा लाउड रहूंगा और चलो फिर चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। बाय बाय। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। सो आई हैव रीच्ड अहमदाबाद एयरपोर्ट। दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो I'm pretty excited for the audition and the airport also. Experience. Beautiful room. This is bed, the dining table. Here is TV. Oh wow, they have green tea, milk. पानी गर्म करने के लिए हमारा हीटर है यहाँ पर। हम लोग हैं स्मार्ट बेड वे। ओके, सो होटल इज नाइस, इट इज हाइजीनिक, द रूम इज कॉम्पैक्ट, बट या इट इज फाइन बिकॉज आई एम स्टेइंग अलोन, सो दैट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। एंड ये बाथरूम है, इट इज सो क्लीन। द होटल नेम इज ट्रेटो होटल, इट इज गुड, थम्स अप टू देम। अब देखते हैं कि सर्विस कैसी है। गुड मॉर्निंग अहमदाबाद, टुडे इज 29th of November 2016 एंड द टाइम इज 12 बज रहा है अभी। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ का जो वेदर है इट इज वेरी सिमिलर टू मुंबई इन पुणे। अरे कड़ाके की ठंडी थी वहाँ पर बिकॉज पूरी रात भर मैं बाहर था तो मुझे पता है, बट यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल है। टाइम हो रहा है 12, अब आई विल गो आउट और आई नीड टू बाय फ्यू थिंग्स, सो आई विल बाय एंड आई विल एक्सप्लोर थोड़ा सा अहमदाबाद। कल रात को मैं यहाँ पर खाना खाया था, गुजराती थाली, इट वॉज गुड फॉर अ चेंज, अच्छा था। चूड़ा मिक्स करके कुछ सालन बनाया था दैट आई डिडंट लाइक, बट इट वॉज गुड। रोटी और जो दाल का स्टाइल था आई रियली लाइक्ड इट। ऑलराइट गाइज, शावर डन, ब्रेकफास्ट डन, नाउ आई विल गो टू नियर मार्केट एंड आई विल बाय कोकोनट ऑयल फॉर माई हेयर, आई विल बाय नेल कटर, नाखून बहुत बड़े हो चुके हैं। एंड इसके अलावा एक चप्पल मुझे खरीदना है बिकॉज यहाँ पे चप्पल नहीं है, हर जगह शूज पहन के जाना पड़ता है। एक चप्पल खरीदूंगा, देन ऑल सेट। तो ये सब पसारा मैं छोड़ के जा रहा हूँ। देखते देखते 5 बज गया, पता भी नहीं चला यार। यहाँ पर टाइम जो है ना पानी की तरह स्मूथ जा रहा है, स्मूथ, समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम गया तो गया कहाँ। Oh,
आप लोगों को मैंने बताया नहीं कि मेरा होटल बाहर से कैसे दिखता है। दिस इज माई होटल लुक बाहर से ऐसे। ट्री टोटल पीपल आर वॉचिंग मी। ये माइक है, ये कैमरा है, गोरिल्ला पॉड इसको कहते हैं। ऐसा है, गन की तरह लग रहा है ना, मशीन का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण गबने। तो ये हमारा अहमदाबाद, एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ, अहमदाबाद फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को शूट वूट करता हूँ, तो इसलिए मैं लेके निकला है। ये घड़ी बॉम्बे की है। ये घड़ी भी बॉम्बे की है। चलो मिलते हैं। ओके बाय। देखो 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 सलीम भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं। This is how it looks. इसमें अगर कोई 500 का नोट छोड़ दिया रहेगा ना, हमारा तो है नहीं, ये एक सस्ता है। गोमार आ गए, पूरा घर चारा है उसके पास, 8,000 गाय है। अच्छा, जो वो सब हैंडीकैप है, उसके लिए डेली का 3,000 का खर्चा है। ये पूरे अहमदाबाद में 4,000 ऐसे रखा हुआ है, तो सबका कलेक्शन जो आ रहा है उसके ही उसका वो पर्सन हो रहा है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ना ये परचेज किया एक और एक सॉक्स, ये तो चलेगा ना। फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस नोट। 2,000। चलो सर, थैंक यू सर, मिलते हैं। डन, नाउ आई विल बाय कोकोनट पैराशूट तेल। कैमरा क्या काम आता है? इसे शूट करके हम लोग यूट्यूब पर डालते हैं। यूट्यूब मेरा भी डाल देना यार, चना भी तुम्हारा। क्या नाम है आपका? आपा धर्म सिंह गुजर। धर्म सिंह जी, सिंह चने का व्यापारी, गुरुकुल रोड। गुरुकुल रोड पे आपके पास ये सब है? हाँ, ये सब है यार, ये सब बता देना जगह कैसे बता। मेरा व्यापार बढ़ेगा तो मैं आपकी मदद करूंगा कुछ। अहमदाबाद में आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इनसे आके एक बार जरूर मिलना आप। सो आई हैव डन माय शॉपिंग एंड नाउ आई केम टू दिस होटल। ऑर्डर समथिंग सारा डोसा मसाला डोसा है, मैसूर भी डोसा। अभी डोसा मिलेगा? मिलेगा। एक मसाला डोसा दो ना। नाउ आई एम फुल। बिल के साथ उन्होंने मुझे एक मीठा पान दिया है। इज द मीठा पान नाइस। मीठा ही पान था ना भाई, कुछ और तो नहीं था। सो दैट वाज मीठा पान। एंड अभी मैं जा रहा हूँ कन्वेंशन सेंटर जहाँ पर हमारा ऑडिशन होने वाला है। एक्चुअली मैं जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त है एक, जो कि मुझे पुणे ऑडिशन में मिला था, हिज नेम इज़ अंशुल शर्मा। तो वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच गया है, तो मैं भी जाके देख के आ जाता हूँ कन्वेंशन सेंटर और उससे मिल के भी आ जाता हूँ। सो ऑल राइट गाइज, मैं हूँ कन्वेंशन सेंटर के बाहर और टाइम हो रहा है 6:20 और ऑलरेडी यहाँ पर हमारे रूडीज़ आ चुके हैं। देखें कितने सारे रूडीज़ हैं हमारे साथ। ये है मेरा दोस्त अंशुल, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। तो अभी हम पूछेंगे हमारे अंशुल भाई से कि क्या चल रहा था पूरे ऑडिशन में, क्या चला। ट्रैफिक इन अहमदाबाद। बैक इन होटल। अभी जब मैं ऊपर आ रहा था तो मैंने देखा कि रोडीज़ के जो क्रू मेंबर्स हैं वो यहाँ पर रुके हैं इसी होटल में, ट्रीट होटल में। तो मैंने पूछा उनको, रणवीर सर भी है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके लिए नहीं है, सिर्फ जो प्रोडक्शन वाले हैं जो कैमरा के पीछे रहते हैं वो लोग यहाँ पर रुके हैं।
काश के रणवीर सर यहाँ पर रुकते हैं यार, एक बार मिल लेते हैं। Alright guys, all set. Now the time is 6 o'clock. अभी मैं जा रहा हूँ वेन्यू के पास, वहाँ पर जाके लाइन लगाऊंगा। ब्रेकफास्ट, ओके सो इज पपैया ब्रेड, ये दही है जी, पपैया दे दीजिए। ब्रेकफास्ट का एक्चुअली टाइम होता है 7 बजे के बाद, बट मुझे ब्रेकफास्ट अभी मिला बिकॉज अभी रोडीज की क्यू मेंबर्स ने इनको कहा कि हमें 4:30 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए, तो उन्होंने 5:30 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए, तो उन्होंने 5:30 बजे ब्रेकफास्ट कर दिया, जिसका भरपूर फ़ायदा हम उठा रहे हैं। पुणे ऑडिशन आज ही आए उन लोग, पुणे ऑडिशन ख़त्म करके 4 बजे तक लगभग, आज तो कैसे भी मुझे अपना 100% देना है। ऑलराइट गाइस, तो मैं पहुंच गया हूं वेन्यू के पास, यहां पर ऑलरेडी लाइन लग चुकी है, कैन सी। ओके गाइज, नाउ 8:20, आई थिंक लगभग 1000 लोग आए होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ से वहाँ से लाइन है, वहाँ से लेकर वहाँ, लड़कियाँ बहुत कम आई हैं। नाउ द टाइम इज 9:50 एंड 10 मिनट बचा है हमारे ऑडिशन के लिए, लाइन आई मीन लाइन खुलने के लिए ना, 9 बजे का टाइम है ना। यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त बने हैं, ये हमारा पुराना दोस्त अंशुल पुणे ऑडिशन में भी था, ये हमारे नए दोस्त बने हैं, ये देखो जब भी कैमरा तो उधर देखने लग जाते हैं, वो हमारे नए दोस्त बने हैं यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं। पीस आउट। So just now I reached my hotel. Audition has done. It was awesome. Again, I am not satisfied 100%. जैसे लगा कि 60% मैंने अपना दिया है, 40% और दे सकता था, because मैंने अपनी physical strength नहीं दिखाई, मैंने अपने बोलने की convincing करने की power पूरी लगा दी, but physically मैंने कोई task मुझे करवाया नहीं गया, इसलिए मैंने किया ही नहीं। बट जब मैं लाइन में था तो वहाँ पर हमारे एक वुड के एंकर थे, वो हमारे पास आए, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, बिकॉज वो मुझे पुणे में मिले, तो उन्होंने पुणे में मेरे से एक पुशअप टास्क करवाया था, तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आपको अपने बाल मुड़वाने पड़ेंगे। उससे पहले मैंने उनको कहा था कि मुझे रोडीज इसलिए बनना बिकॉज ये इस साल मेरी जिद बन चुकी है, तो उन्होंने बोला जिद के लिए क्या कर सकते हो, मैंने उनको कहा कि जो भी टास्क मुझे पॉसिबल लगता है कि मैं कर पाऊंगा, मेरे लिमिट्स के अंदर है, तो मैं वो कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अपने बाल मुड़वा सकते हो, तो मैंने कुछ वक्त सोचा कि यार ये चीज़ चल ठीक है यार, बाल वापस आ सकते हैं, लेकिन रोडीज मैं हर साल नहीं आऊँगा, मेरे पास एक लास्ट मौका है इस साल का, तो मैंने अपने बाल मुड़वा दिए। मैं आपको अपनी नई हेयर स्टाइल दिखाने जा रहा हूँ, से दिस इट्स फनी बट करना पड़ता है। आईब्रोज कट कर दिए, इस तरफ से देखो कैसे दिख रहा है, पीछे से देख सकते हो, लेफ्ट साइड से। मुझे ये टास्क करके कोई रिग्रेट नहीं है, मैं खुश हूं कि मुझे एक मौका मिला जहां पर मैं एक टास्क को परफॉर्म कर सकूं और अपनी काबिलियत बता सकूं। बाल कटाना कोई काबिलियत नहीं है, बट इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, और मेरे ऑडिशंस भी हैं, अब वो ऑडिशंस मैं दे नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरे बाल अभी जा चुके हैं, तो इट्स फाइन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ मैनेज करना पड़ता है, मैं कुछ मैनेज कर रहा हूँ। और यहाँ तक ये जो व्लॉग है, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। मैं वेट करूँगा उनके कॉल का, और मैंने शायद फॉर्म पे अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखा, तो ईमेल आईडी है वहाँ पर, शायद वो ईमेल आईडी से कॉन्टैक्ट करें। मैं उम्मीद करूँगा
उनके कॉल का. होप मेरी जिद जो मेरे अंदर है सेम टू सेम वैसे ही जिद मैं उनको दिखा पाया हूँ. मैं आशा करता हूँ उनके कॉल का. इससे ज़्यादा कुछ नहीं. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द थम्स अप बटन. इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा. अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो अच्छा बनाता हूँ उसके काबिल हूँ देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड बाय बाय. सी यू सून.